नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कैसे सीरियल बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गुजरात। गुजरात ने स्टार्टअप रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जुलाई 2020 महीने में औद्योगिक उत्पादन में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 10.4% गिरावट की गई है। किस महीने में? तो जुलाई 2020 के महीने में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, NTA JEE मेन परीक्षा में कितने छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 24 छात्र ने JEE मेन की परीक्षा में 100% स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्यसभा के संस्थापक का 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, स्वामी अग्निवेश। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देश में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देवेंद्र डर्डा को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किन समितियों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट को निलंबित कर दिया है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका खेल परिसंघ और ओलंपिक समिति SASCOC ने निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई दोस्तों, तो 46,59,985, जिसमें कि 77,472 लोगों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, DRDO ने किस हैवी ड्रॉप सिस्टम का निर्माण किया है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में किस टीम ने 19 रन से जीत दर्ज की है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने। कितने रन से जीत दर्ज की है? 19 रन से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, ये है हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।